काउंटर बदल गया, काउंटर बदल गया, काउंटर बदल गया, काउंटर बदल गया। हेलो शॉक्स, क्या लेंगे आप? विनीता जी, आप कॉफी की काफी शौकीन हैं। Yes. Why not we start our magic with the coffee? Sure. I'll show you something which is very unique with the coffee. अमन, आप यंगस्टर्स के फेवरेट हैं, why don't we try with some cold drink? ये आपको किसने बताया? थोड़ा ऊपर से डालियो। नहीं, शोल्डर से डालिए। आप फिटनेस फ्रीक हैं, आपके लिए जूस ट्राई करते हैं। अब लग रहा है थोड़ा थोड़ा डाला है। ओह माय गॉड, अमेजिंग। अब इस पे कोई ना कोई दाग है ये, और ना ये वेट हुई है, और ये कॉटन की प्योर टी शर्ट है। मैं भी ऐसे ही फंसा था। टेक्नोलॉजी सुन के वर्ड आ गया। शार्क्स, ये कोई मैजिक या जादू नहीं था, ये था टर्म्स का इंटेलिजेंट कॉटन टी शर्ट, टर्म्स इंटेलिजेंट अपैरल। हम टर्म्स में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इंटेलिजेंट अपैरल्स बनाते हैं। हमारे कपड़े एंटी स्टेन, जिसमें दाग नहीं लगता, बिल्कुल पसीने की बदबू नहीं आती, एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटी ओडोर, ये सब मुमकिन होता है हमारी हाइड्रोफोबिक टेक्नोलॉजी से। तो इसका मतलब आप टर्म्स के कोई भी कपड़े फियरलेसली पहन सकते हैं। हमारे पास और भी टेक्नोलॉजी है, जैसे कि हमारे 30 डे नो वॉश जीन्स, जो 30 दिन तक फ्रेश रहेगी बिना धोए, एसी कूलटेक टी शर्ट्स, जो आपको 4 डिग्री कूल रखता है। इसके बाद हमारा लेटेस्ट लॉन्च है 7 डे नो स्मेल सॉक्स ट्रैवल एडिशन। ये मेरे कई दोस्तों को चाहिए। शार्क्स, मेरा विजन है हमें इसे सस्टेनेबल, इनोवेटिव, क्रिएटिव ग्लोबल ब्रांड बनाना है। इसके लिए मेरी आस्क है 1.2 करोड़ फॉर 2% इक्विटी। तो चलिए शार्क्स, आज टर्म्स के साथ कुछ इंटेलिजेंट डील साइन करते हैं। आपने अपना नाम क्या बताया? सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित। तो सुरेंद्र जी, काफी इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट्स लगे आपके, तो थोड़ा अपना जर्नी बताएंगे, कैसे पहली बार इसको डिस्कवर किया? 2018 में मैं इस ब्रांड का कस्टमर था, और मैंने ये प्रोडक्ट जब खरीदा और इसकी क्वालिटी जब देखी, तो और इनोवेशन के साथ मुझे इसमें बहुत पोटेंशियल नजर आया। और मैं इससे पहले 15 साल इंडिया से बाहर रहता था, तो मैंने 2022 में अपनी वेल पेड कॉर्पोरेट नौकरी छोड़कर मैंने इस टर्म को एक्वायर किया, और आज तक हम 4 लाख इंटेलिजेंट अपैरल्स बेच चुके हैं। 15 साल क्या करते थे आप? मैं ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में था। मैं मिडल ईस्ट में मैंने 10 साल निकाले। इससे पहले वॉल्वो कंपनी में स्ट्रेटजी डायरेक्टर रह चुका हूँ एशिया का। हम टेस्ट कर सकते हैं एक बार? श्योर, आपके लिए मैंने टेस्ट के लिए ये स्टैंड भी बनाया। ये ऑर्डिनरी शर्ट है। हाँ। और ये टर्म्स का शर्ट है। ठीक है, डालू? हाँ। भाई, आप तो साबुन वालों की दुकान बंद करा दोगे। ये हो गई आपकी कॉफी विद एन ऑर्डिनरी शर्ट। उत्तरी। ओ नाइस। ए अमन, उसको हॉरिजॉन्टल करके कर एक बार। किसको? जूस ट्राई कर सकते हैं आपको। आप इस पे डाल दो। हाँ, अब कर। अब कर। ऐसा कर। अरे मैं भी ऐसी डेमो देखा था यार, मेरे को पुराने दिन याद आ रहे। बात तो सही है, कुछ तो है। एक बार जरा वो भी बता देंगे, जब अक्वायर किया था 2022 में, कितने में कंपनी अक्वायर की थी और क्या था उस टाइम पे सीन? कोविड से पहले ये एक बहुत अच्छा बिजनेस भी कर रही थी, और इनके 6 को-फाउंडर थे। फिर जब उन्होंने डिसाइड किया कि कोविड के बाद ये चला नहीं पाएंगे, तो वी हैड एन ऑप्शन कि हमने, और रामेश्वर तो मेन फाउंडर थे इस कंपनी के, रामेश्वर, रोहित और 4 को-फाउंडर्स। एक बात पूछूं यार, करीबन 2 साल से फॉलो अप कर रहे हैं कि जो शेयर हमारे कंपनी में थे उसको लिक्विडेट कर दो ताकि हम लॉस बुक कर लें। उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ था आपकी टर्म्स? नहीं, मुझे पता है पूरा। आपको पता है? तो अभी इतना बुरा हाल है कि लॉस भी नहीं बुक कर पा रहे हैं हम बुक्स में, क्योंकि शेयर कोई खरीदने को तैयार नहीं है 2 रुपए में भी। ये आपने खरीदा, मुझे नहीं पता कितने में खरीदा, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। सर, आपको मैं पॉइंट का जवाब देता हूँ इसमें। ये डील बहुत हमने ट्रांसपेरेंटली जब ली थी। आपने कंपनी थोड़ी खरीदी, हमने कंपनी नहीं खरीदी, हमने सिर्फ ब्रांड खरीदा। बिल्कुल, पहला डिसीजन ये। तो हमें वो फंसा गए पहले वाले लोग। नहीं सर, ये कोविड वाला टाइम काफी लोगों के लिए टफ रहा, बट आई थिंक द इंटेंशंस वर नॉट कि पैसा, बट दे आर स्टिल इन मार्केट, दे आर स्टिल रिप्लाइंग, वेंडर्स को पूरा गया, और जो हमारा प्रोसेस भी हुआ बहुत नीट क्लीन हुआ। आई थिंक इट्स फेयर। कितने में खरीदा आपने ब्रांड? 15 करोड़ में उनको सेटल किया था। आपने 15 करोड़ रुपए दिए अपने खुद के? हमने 15 करोड़ की उसकी वैल्यूएशन लगाई थी। और दिए कितने आपने? कैश 1.5 और इक्विटी 12.5%।
जिन्होंने डेट दिया था जो उस कंपनी में जो पहले इक्विटी वालों को राइट ऑफ का प्रॉपर प्रोसेस हुआ था सर। बेसिकली डेट देना ही बेटर है, इक्विटी देके कोई फायदा नहीं है कंपनी में, आप कह रहे हैं। मुझे ये नहीं समझा कि जो टिपिकली कैप टेबल होता है उसमें फाउंडर के होते हैं रेगुलर इक्विटी होता है, प्रेफरेंशियल शेयर्स होते हैं जो इन्वेस्टर के होते हैं। प्रेफरेंस शेयर्स एक टाइप के शेयर्स होते हैं। जब कोई इन्वेस्टर आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करता है तो उसको प्रेफरेंस मिलते हैं आपके शेयर्स के ऊपर, जैसे स्पेशल वोटिंग राइट्स मिल जाएंगे उसे, लिक्विडेशन प्रेफरेंस मिल जाएगा। तो उसके शेयर कैटेगरी आपकी शेयर कैटेगरी के थोड़ा ऊपर होता है, उसको बोलते हैं प्रेफरेंस शेयर्स। तो जब लिक्विडेशन होता है सबसे पहले डेट क्लियर होती है, सेकंड प्रेफरेंशियल शेयर्स अप टू द लिक्विडेशन राइट जो भी अग्रीड होते हैं, फिर इक्विटी आती है जो फाउंडर की होती है। तो ऐसे कैसे हुआ कि इनके प्रेफरेंशियल शेयर्स का इनको पेमेंट नहीं मिला और फाउंडर को मिल गया? इसमें मैं फाउंडर को नहीं मिला, मिल गया 1.5 करोड़ मिला ना, तो वो 1.5 करोड़ फाउंडर्स को दिया या उस कंपनी को आपने दिया? हमने कंपनी को दिया, कंपनी को दिया, फाउंडर को नहीं दिया, फाउंडर को नहीं दिया। बट वो 1.5 करोड़ का उस कंपनी ने क्या किया, क्योंकि कंपनी तो बंद हो गई, जितने भी उनके वेंडर्स को लायबिलिटीज़। अब क्या स्केल हो गया बिजनेस का? लास्ट ईयर अक्टूबर में हमने वापस बिजनेस स्टार्ट किया, तो हमने अक्टूबर में 3 लाख की सेल करी थी और हमने मार्च क्लोज किया 57 लाख पे, और अभी लास्ट महीने हमने 86 लाख का एक महीने में सेल। लास्ट मंथ फैबुलस ग्रोथ, अमेजिंग। उसमें मुनाफा कितना हुआ? 9,72,000। क्या भाई साहब, आपने तो कमाल कर दिया, ट्रांसफॉर्म किया है आपने, जेन्युइनली किया। अब आप इस साल कितना प्रॉफिट बनाओगे? 70-80 लाख। और रेवेन्यू कितना होगा इसे? बिटवीन 10-12 करोड़। ये मार्च पे कितना जाएगा ये नंबर मंथली? हम पर मंथ ओनली फ्रॉम आवर वेबसाइट वी विल डू 2 करोड़। उसमें प्रॉफिट कितना होगा आपके कैलकुलेशन से? 2 करोड़ के ऊपर हम लोग 25 लाख रुपया बनाए। पहले वाली कंपनी और आज की कंपनी में जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, पहले सिर्फ हम एंटी स्टेन की बात करते थे, आज हम लोग इंस्टेड ऑफ फीचर हम लोग बेनिफिट सेल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एंटी ओडोर सॉक्स, ऐसा नहीं है कि पहली बार आए हैं, हमारा जो सॉक्स है 7 डे नो स्मेल सॉक्स, लॉन्च के समय ही इतना पॉपुलर हुआ कि आज हमें सबसे हाईएस्ट वन ऑफ द कैटेगरी विच वी से ये हमारा 7 डे नो स्मेल सॉक्स है। फिर हमने जब जीन्स के बारे में बात करी तो बोले एंटी स्टेन जीन्स, बट इस जीन्स में हमारी 4 टेक्नोलॉजी हैं, यानी ऐसे एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल, एंटी ओडोर और एंटी स्टेन। और 4 टेक्नोलॉजी को अगर हमें कुछ नाम देना है एंड विच हैज़ टू बी कैची, तो हमने उसका नाम जब रखा 30 डे नो वॉश। आपका प्राइस और क्या कहते हैं जो बाकियों का प्राइस है, कितने का डिफरेंस है, क्योंकि ये सारा जो धोना वोना कम कर दे रहे हैं तो काफ़ी आराम हो जा रहा है आपको? आज की डेट में जीन्स, नॉर्मल जीन्स 1500 से 2000 के आसपास मिल जाती है। ये जब हमने इसका MRP रखा था 4000 रुपये और हमने सेलिंग प्राइस है हमारी 3000, तो 50% हायर प्राइस आप कहेंगे? 50%। और टी शर्ट आपको राउंड नेक मिल जाएगी 999 रुपीज़ में। और मार्केट में कितने में मिलेगी? मार्केट में अच्छी टी शर्ट ऑफ दिस क्वालिटी इज सिमिलर प्राइस। मैं बहुत कस्टमर से बात करता हूँ एवरीडे, मेरी आदत है कि जब शाम को सब टीम मेंबर चले जाते हैं तो जिसका जिसका ऑर्डर मुझे लगता है अगर बड़ा था या किसी का नाम है तो आई पर्सनली स्पीक टू देम, सर आपने क्या सोच के इसको खरीदा और आपने कौन सा ऐड देखा, तो यू नो आई गेट टू नो कि मैं कहाँ पे पैसा लगाऊं और ये कस्टमर क्या सोच रहा है। और आज मुझे बोलते हुए खुशी हो रही है कि हमारा रिटर्न और RTO मिला के सिर्फ 10% है। नॉट बैड, बहुत अच्छा। आई थिंक आई विल सजेस्ट कि आप एक बार टी शर्ट्स का टच एंड फील भी देखें जो तो ले आते ना लोग यहाँ लाते हैं हमारे लिए गिफ्ट्स। लायो रिश्वत लायो? लाए सर, बिल्कुल लेके आए। हाँ ये आपके लिए। पहले क्या था ना, इस कंपनी में डिजाइन बहुत हो गए थे, द एसकेयू रेंज हैड बिकम टू हाई, जबकि जरूरत नहीं थी। 100% यू आर राइट, 100% राइट। हमारा जो एक्सपर्टीज है कि पहला तो कॉटन, जब कपड़ा और कॉटन का जब फैब्रिक बन जाता है उसके बाद जब स्टिचिंग से पहले वॉश में जब जाता है, वॉश में इसका एंड नैनो टेक्नोलॉजी का हाइड्रोफोबिक टेक। नहीं ये कॉटन में है कि आप अलग से कुछ कर रहे हैं वो बताइए। जब गारमेंट हमारा बन जाता है उसके ऊपर ये कोट हो जाता है। एंड वो कोट लाइफ लॉन्ग 10-15-20 साल तक रहता है? नहीं, ये कोट आपका 20 वॉशेस तक 100% एफिशिएंसी रहती है और फिर धीरे धीरे रिड्यूस होता है। अच्छी अगर आप 20 वॉशेस की सिर्फ लाइफ है तो दैट वोंट लास्ट दैट लॉन्ग, तो कितना लास्ट करता है अप्रॉक्सिमेटली? हमारे जैसे काफी कस्टमर्स हैं जो 6-7-1 साल तक भी, क्योंकि रोज 6-7 साल की 6-7 साल तक। एंड एंटी ओडर के लिए क्या टेक्नोलॉजी है? एक जो टेक्नोलॉजी वाला N9 सॉल्यूशन होता है, दूसरा रेड एलोवेरा, बिकॉज दैट ऑल्सो इज एडिशनल जो हमने नया किया जो मैंने कंपनी लेने के बाद। रेड एलोवेरा एक ऐसा प्लांट है जो आपको 22 टाइम्स ग्रीन एलोवेरा से एफिशिएंट है।
एंड इट इज 58,000 रुपीज के जी जो अफ्रीका एंटी ओडर स्मेल उसमें एंटी ओडोर एंटी फंगल और आपको जो कपड़े का सॉफ्टनर चाहिए होता है जिसमें लोग केमिकल यूज करते हैं हम लोग ये यूज करते हैं तो इसको ये भी एक स्प्रे है हाँ, जो आप कपड़ा बनाने के बाद करते हैं उसके अंदर ही डालते हैं उसके अंदर मतलब लिक्विड में डालते हैं जब वॉशिंग प्रोसेस चलता है तो आपकी कोई ओरिजिनल फॉर्मूला नहीं है इसमें आपका सारी ब्लेंडिंग वॉशिंग और प्रोसेसिंग का आईपी वेरी देखिए एक बात साफ लग रही है आपकी शर्ट जो है ये सब बेनिफिट्स है लेकिन व्हेन इट कम्स टू डिजाइन थोड़ी फीके लग रही है तो आप क्या इसको बदलना चाहते हैं कि नहीं बदलना चाहते सो ये फीका इज नॉट द राइट वर्ड बट जो ये सिंपल एंड सटल वाले आज भी 35 प्लस का जो एज ग्रुप है एक लिमिट के बाद पोलो पे आ जाता है और उसमें भी सटल एक क्रिकेट के बहुत बड़े सेलिब्रिटी हैं जो महीने में 22 बार स्पॉट होते हैं टर्म्स पहने हुए नाम भी बता दीजिए अगर बता पाएंगे तो सर MS धोनी साहब हैं आपने क्या क्या मूव्स लिए जिसके कारण से वो बिजनेस अप जाने लगा जब उनमें ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हम लोग जब बैठे तो हमने पहले देखा कि इसको अगर हमें ट्रांसफॉर्म करना है तो हमें बेसिक्स हमारे क्लियर करने पड़ेंगे और इसको बिजनेस करना है तो सिर्फ प्रॉफिटेबल ही बिजनेस करना चाहिए तो हमने जब ये स्टार्ट किया तो पहले हमारे बैकएंड ऑपरेशंस को कड़क किया पहला आपको हर दिल्ली में भी वेयरहाउस हो यहाँ वेयरहाउस हो जरूरत नहीं है आज की डेट में अगर आप अच्छे कोई कुरियर कंपनी को अगर एयर चार्जेस दे देते हो 38 रुपीज़ का फ़र्क आता है अगर आप वो करते हो तो आपको सेकेंड थर्ड डे डिलीवरी हो जाती है विच सॉल्व्स दैट लॉजिस्टिक वाला इशू नो नीड टू कीप इन्वेंटरी मेनी प्लेसेस सो यू कंट्रोल पिलफरेज बहुत होता है उसके बाद फिर आपका जो पैकेजिंग आता है बिकॉज दीज आर ऑल हिडन कॉस्ट जब आपका पैकेजिंग अगर एक केजी है और आपका जब मशीन्स फाल्कन मशीन्स में जब जाता है अगर आपका एक पॉलीथीन का अगर कॉर्नर भी ऊपर है वो 1.5 केजी हो जाता है हमने ये किया हमारा जो बॉक्स था उसको हमने बनाया 0.93 केजी और आज की रेट में हम लोग जो भी माल भेजते हैं उसी बॉक्स के अंदर फिट होता है और हमारा एक केजी से कम का खर्चा आता है तो इट सेव्स यू क्लोज टू 38% ऑफ योर कॉस्ट ओनली ऑन पैकेजिंग एंड दिस क्या बात है थर्ड जब आपकी टीम मेंबर्स आज हमारी टीम मेंबर फुल रोल और ऑन रोल कंपैरेटिवली 50-60 तक पहुंच गए थे आज हमारी टोटल टीम का साइज है 9 पीपल वी मैनेज सुपर्ब जॉब अमेजिंग हम यहाँ पे आए थे तो हम पूरा प्रिपेयर्ड होके आए थे आपकी पिटाई करने के लिए नहीं यहाँ पे मतलब पूरा टर्न अराउंड इसको कहते हैं गुड ओल्ड बनिया बुद्धि नहीं सर वैसे राजस्थान से ही है अरे वाह सलाम आपको यू हैव डेफिनेटली टर्नड इट अराउंड प्रोडक्ट तो अच्छा था तभी इन्वेस्ट किया था सर ऑपरेशनल एक्सीलेंस इज माय डीएनए सर आपसे ना दो चीजें आपने जो सिखाई है ना आज वो बताता हूँ क्या है पहली कि एग्जीक्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है आइडिया भी इंपॉर्टेंट है बट अगर अच्छी एग्जीक्यूशन होती है ना तो आइडिया की इतनी जरूरत नहीं होती दूसरी चीज ये सिखाई कि अच्छे इन्वेस्टर अपने कैप टेबल में लेना बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है तो मैं आपको ऑफर देता हूँ 1.2 करोड़ जो आपने मांगा था एट 4% इक्विटी वाओ रिच ऑफर वेरी नाइस ऑफर प्लस रॉयल्टी एट 5% ऑफ व्हाट सेल्स ये आपने थॉट है कि ओरिजिनल ऑफर में था देखा है टिल आई गेट माय 1.2 करोड़ बैक मैंने जब टर्म्स में इन्वेस्ट किया था मैं अमेजोन के रिव्यूज पढ़ता था रिव्यूज हमेशा 3.5-3.7 पे रहते थे जब तक रिव्यू 4.5 नहीं होंगे ना समथिंग इज रॉन्ग और 90% कंप्लेन होती थी 20 वॉश वाली हम 20 बोलते हैं होता 10 में था क्योंकि आपने एक सर्टेन डिटर्जेंट पे आप काम कर रहे हैं बट जब इंडियन कंज्यूमर है ना वो अलग अलग डिटर्जेंट्स यूज करेंगे ये 20 वॉश वाला जो क्लेम है ये होल्ड अप नहीं करता इस ब्रांड में आप इस पे R&D लगाइए कि ये लंबा चले तभी ये बड़ा बनेगा तो इस वजह से मैं बाहर हूँ बेस्ट ऑफ लक और मिलके आपसे अच्छा लगा एंड आपके पास ऑफर भी है थैंक यू चलो सुरेंद्र जी आपको एक ऑफर करते हैं यार बनता है ना तो मैं एक इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ नॉट जस्ट फॉर नाउ मुझे लगता है अगर अच्छा चले तो मैं आगे भी और पैसा डाल सकता हूँ तो माय ऑफर इज 1.2 करोड़ फॉर 4% रॉयल्टी मुझे लगता है आपको मार्जिन थोड़ी बचा के रखनी चाहिए तो मैं आपको 2% रॉयल्टी लूंगा अंटिल आई रीच 1.5x ऑफ माय इन्वेस्टमेंट ओह ज्यादा पैसे ठीक है अच्छा सो दैट्स माय ऑफर
एक क्वेश्चन मेरे को फाइनल बस पूछना है। सुरेंद्र जी मैं कब से वेट कर रहा हूँ, मैं आपकी वेट कर रहा हूँ, इन्हें आपका बिजनेस समझ नहीं आएगा। मैं बहुत फास्ट हूँ। बस एक बार वही पूछना चाहेंगे, तो आपका मार्केटिंग कॉस्ट पिछले साल 60 लाख में कितने रुपए था? हमारा टोटल लास्ट ईयर का लॉस है 1.2 करोड़। तो वो कहाँ गया था वो पैसा? मेनली मार्केटिंग। कितना पैसा टोटल मार्केटिंग में फूका था आपने? नियर अबाउट 40%। नहीं सर ये सही वर्ड है, बिकॉज ये बहुत पेन करता है मुझे, लेकिन वही कितना आपने मतलब मार्केटिंग में पैसे लगाए थे? 40 लाख। हम मार्केटिंग के पैसे को फूकना नहीं बोलते भाई, जा मार्केटिंग इंपॉर्टेंट होती है जिंदगी। सुरेंद्र जी एक ऑफर मैं भी आपको करता हूँ। थैंक यू सर। मैं ये रॉयल्टी हटा देता हूँ, मैं पूरे पैसे 1.2 करोड़ 4% पे। सिंपल डील है आपके लिए। बहुत बढ़िया सर, वेरी रिच ऑफर। मैं जो बना रही थी वो भी रॉयल्टी के बिना बना रही थी, बट 20 करोड़ वॉज द वैल्यूएशन दैट आई हैड इन माइंड। तो आई थिंक आपके लिए तो बहुत अच्छी ऑफर है। आज मैं इसमें पढ़ूंगी नहीं, इस दंगल में, बट आई जस्ट वॉन्ट टू से अपार्ट फ्रॉम बींग एन अमेजिंग एग्जीक्यूटर, आप बहुत ब्रेव भी हो यहाँ पे। मतलब आपको जब पता था पीयूष की हिस्ट्री, यहाँ पे शार्क टैंक के मंच पे आना, मतलब इट्स लाइक शार्क के सामने खून दिखाना वाली बात थी, एंड आपने आके इसको ओपनली एड्रेस किया बहुत ट्रांसपेरेंसी से। टर्न अराउंड जैसे बोलते हैं, ऐसे आपका टर्म्स अराउंड हो गया है। तो ग्रेट जॉब देयर, एंड आई वुड हैव ऑफर्ड, इनफैक्ट मैंने बनाई हुई थी, बट ये बहुत अच्छी ऑफर है, आई डोंट थिंक आई विल बी एबल टू मैच इट, सो फॉर नाउ आई एम आउट। आपको क्या चाहिए कि आपको रॉयल्टी नहीं देनी है? नहीं रॉयल्टी नहीं देनी। मैं रॉयल्टी चलो 1% भी कर देता हूँ, बट उसके बिना मेरे लिए डील करना मुश्किल है। इफ दैट इज नॉट ओके विथ यू, फिर मैं बाहर होना चाहूंगा। तो आप बिल्कुल रॉयल्टी नहीं लेना चाहते? रॉयल्टी माइंडसेट में नहीं है। ठीक है फिर मैं आउट। तो चलिए सर आपके पास एक ही ऑफर है, लेकिन जो चाह उसके आसपास ही है, तो बोलिए क्या करना है। नो आई थिंक लेट अस मेक द डील। वाओ गुड गुड डिसीजन, वेरी गुड डिसीजन। चलो थैंक यू सो मच, कांग्रेचुलेशंस। यू नो आई केम, गुड टू मीट यू। थैंक यू सो मच। Thank you so much. No problem. Take care and aap bahut acha execution kariye. Thank you so much. Amazing. Like, bhai saab, aaj chhodiye, aap seedha villain mil gaye. So glad to meet you. Bahut sikhaya aaj aapne. Thank you so much. Nice to meet you. Thank you so much. Bye.